सो हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिंग लाइव एप्लीकेशन के बारे में। और इस एप्लीकेशन में अभी फिक्स पेमेंट मिलता है, जो यहाँ पे वीकली टू वीक यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है। इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे कि अगर जो आप यहाँ पे टारगेट नहीं कंप्लीट करना चाहते, केवल फिक्स पेमेंट लेते हो टाइम और डेट के बेसिस पे, तो ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखना। इस वीडियो में बताऊंगा मिंग लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे, इसमें इसको यूज कैसे करेंगे, इसमें आईडी कैसे बनाएंगे, टोटल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, और कितना वर्क करने पे आपको कितना यहाँ पे फिक्स पेमेंट दिया जाता है, वो टोटल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप सबको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि मिंग लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं होस्टिंग का लिंक दे दिया हूँ, केवल लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, जिसमें ऊपर आपको फिक्स पेमेंट भी लिख दिया है। यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन लिखेगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक करते हो, कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ये वीडियो कंप्लीट अच्छे से ध्यान देना, ताकि थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो आपको यहाँ पे आईडी नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो फिर आप यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पाओगे। जैसे इस पेज पे आप आ जाते हो, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। अपने यूजर नेम में आप कोई सा भी रियल या फेक कोई सा भी यहाँ पे नाम डाल सकते हो। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे नाम मैच नहीं करता है, तो कुछ आगे का मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, AEIOU या कुछ भी ऐसे करके आप मॉडिफाइड कर सकते हो, नाम यहाँ पे मैच कर लेगा। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। उसके थर्ड में यहाँ पे आपको अपना कंट्री चॉइस कर लेना है। 91 यहाँ पे दिखाएगा जो इंडिया का कंट्री है, ठीक है। अगर जो नहीं दिखाता है तो आप कंट्री यहाँ पे चॉइस कर लेना है। करने के बाद से यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, वही कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डालना है जो नंबर यहाँ पे चालू हो, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी, डायरेक्ट ओटीपी नहीं आता है, डायरेक्ट आपका कॉल्स आता है, कॉल के थ्रू यहाँ पे ओटीपी आती है। जब इतना कर लेने के बाद से ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ओटीपी पे जैसे क्लिक करोगे, तो कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे सेकंड चलने लगेगा और आपके उसी नंबर पे एक कॉल आएगा, उस कॉल के थ्रू आपको ओटीपी बताया जाएगा, वही ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। करने के बाद से यहाँ पे नीचे 6 डिजिट का पासवर्ड डाल देना है। ध्यान रखना, ये ऐसा पासवर्ड डालना कि भूलो मत, क्योंकि आगे इसी पासवर्ड और नंबर से आपका आईडी ओपन होगा। अगर ये पासवर्ड भूल जाते हो, तो फिर आपकी आईडी ओपन नहीं होगा। जैसे इतना आप पासवर्ड डाल देते हो, डालने के बाद से आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद से जैसे आप डाउनलोड पे लगा दोगे, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का डाउनलोड होगा। यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद से एप्लीकेशन ओपन करोगे, कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। होने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे कंट्री कोड अपना चॉइस कर लेना है। जैसे कि कंट्री कोड में चॉइस करने में डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च करते हो, तो इंडिया आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंडिया सर्च करोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। उसके बाद से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से वही फोन नंबर यहाँ पे डालना है जो आप रजिस्टर करते समय आपने फोन नंबर डाला था। उसके बाद से वही पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड वहां पे फिल किया था। जैसे पासवर्ड डाल के आप कन्फर्म करते हो, आपके यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होते ही आपको कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जो भी फोटो यहाँ पे डालना है वो अपना रियल फोटो डालना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में आपको ऑडिशन होगा, ऑडिशन के बाद ही आपका फिक्स पेमेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। वो भी आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला, जैसे यहाँ प्लस का आइकन दिखा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको ध्यान रखना है, साफ सुथरा फोटो डालना है, जिसका बैकग्राउंड क्लियर हो, आपका फोटो मतलब लाइटिंग हो, अंधेरे में फोटो या जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे फोटो के कुछ सैंपल दिए हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे 3 सैंपल दिए हैं, कुछ इस टाइप का फोटो आपको होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हो। डालने के बाद से आपको क्या करना है, फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, एक और फोटो यहाँ पे डालने को देगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सैंपल में 3 फोटो लिखा गया है, ठीक है। इस टाइप का आप यहाँ पे फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे उसने फोटो आप अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद से आपको क्या करना है, एक यहाँ पे प्रोफाइल फोटो सेट करना है। जैसे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे एक और फोटो देगा डालने के लिए प्रोफाइल का। तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको 3 फोटो अपलोड करना है, तभी आपका पेज आगे बढ़ेगा। 3 फोटो अपलोड नहीं करते हो, तो फिर आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
ये तीनों फोटो जो डालना वो अपना खुद का रियल फोटो डालना, ठीक है। यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद से अगर जो निकनेम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, सेकेंड लैंग्वेज अगर जो इंग्लिश आपको आता है तो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर डालना अनिवार्य है, अगर जो व्हाट्सअप नंबर नहीं डालते हो तो आईडी आगे नहीं बढ़ेगी। ये नंबर आपको किसी भी होस्ट को शो नहीं होगा, मतलब ये किसी भी मतलब फीमेल यूजर को शो नहीं होगा, ये केवल कंपनी ही के पास शो होता है, ताकि आपके आईडी में कोई रीजन होता है तो वो लोग व्हाट्सअप पे आपके मैसेज कर सकें। उसके बाद से यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होता है, ठीक है। ये भी किसी भी मतलब मेल यूजर को शो नहीं होता, ये डायरेक्ट कंपनी को शो होता है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब व्हाट्सएप नंबर डालते हैं तो किसी को शो होगा तो परेशान करेंगे, तो यहाँ पे किसी को शो नहीं होगा, केवल कंपनी को शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जरूर डाल रहना है। डालने के बाद से यहाँ पे अबाउट में कुछ टाइप करने के देखता है, तो अपने हिसाब से आप अबाउट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने अबाउट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जैसे प्लीज सपोर्ट मी या कुछ भी अपना अबाउट यहाँ पे लिख सकते हो 300 वर्ड के अंदर में। करने के बाद से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद से कुछ इस टाइप का आपका लाइव का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ऑडिशन देना है, केवल यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ब्यूटी का भी ऑप्शन है, आप क्लिक करके ब्यूटी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है, जैसे जब भी आप यहाँ पे ऑडिशन देना या लाइव करना, हाई क्वालिटी आपका लाइव होना चाहिए, यानी हाई ब्यूटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको मेकअप के साथ होना चाहिए या लाइटिंग के साथ होना चाहिए, ताकि कंडीशन अच्छा दिखे, ठीक है, तभी बॉय यूजर्स आपके मतलब प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, आपके लाइव पे विजिट करेंगे। यहाँ पे ऑडिशन में ये चीज देना है, जैसे अपना नाम, मेरा नाम ये है, अपना नाम अपना बता सकते हो, मैं यहाँ पे मिंग लाइव पे काम करती हूँ, प्लीज आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे से बोलना है और यहाँ पे लाइव स्टार्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे लाइव आपका स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से आपका उसी दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्स पेमेंट के बारे में, कि कितना घंटे आपको वर्क करने पे कितना यहाँ पे पेमेंट आपको दिया जाता है। देख सकते हो मैंने सैलरी चैट ओपन कर लिया है। यहाँ पे चार्ट में आपको पहले क्लियरली यहाँ पे डॉलर के हिसाब से आपको समझा देते हैं। जैसे अगर जो आपके आईडी पे अगर जो सेंडिंग के थ्रू बताते हैं तो आपके आईडी पे 50,000 क्वाइंस आते हैं तो उसका कीमत $1 बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फिक्स पेमेंट है तो यहाँ पे उसका बेसिक सैलरी हम यहाँ पे बता देते हैं कि आपको फिक्स पेमेंट में कितना टाइमिंग देना पड़ता है तो फिर आपका कितना पेमेंट आता है। यहाँ पे फिक्स पेमेंट का मैंने सैलरी चार्ट ओपन कर लिया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वीक में यहाँ पे 2 वीक तक का आपका फिक्स पेमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपको फिक्स आपको सैलरी दिया जाता है। यहाँ पे 1 घंटे अगर जो आप लाइव करते हो तो यहाँ पे 40,000 क्वाइंस आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं लाइव के थ्रू, लेकिन ध्यान रखना 1 घंटे से 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप अवेलेबल नहीं होगे। उसके बाद से यहाँ पे जो दिया है कि फर्स्ट वीक में 15 घंटा किसी तरह कंप्लीट करना है। अगर जो टोटल आप 1 वीक के अंदर 15 घंटा कंप्लीट कर लेते हो तो उसके थ्रू आपको 6 लाख यहाँ पे डायमंड आपको मिल जाएगा। 6 लाख का वैल्यू यहाँ पे $12 होगा, ठीक है, आपको $12 एकदम फिक्स पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। और जो यहाँ पे दूसरा वीक में फिर से सेम कंडीशन है, आपको 1 घंटे का 40,000 डायमंड यहाँ पे मिलेंगे और 40,000 यहाँ पे 15 घंटा आपको यहाँ पे टोटल वीक के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टोटल नॉर्मल होस्ट के लिए है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी है जो इन्फ्लुएंसर के लिए, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये काफी वीडियो बड़ा हो गया है। बाकी ज़्यादा भी और डिटेल आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूँ, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। या हाल ही में मैं व्हाट्सअप पे चैनल भी बनाया हूँ, जिस पे मैं टोटल सीट वगैरह न्यू अपडेट वगैरह डालते रहता हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, आपसे वो तो फिक्स है। बाकी जो भी आपका मतलब यहाँ पे डायमंड सेंडिंग आता है उसके थ्रू आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है, जो ये सीट में आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना मिलता है, तो इस पे आपका बोनस भी होता है, ठीक है। ये टोटल सीट मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो ज्वाइन करके वहां पे टोटल सीट भी देख सकते हो, या कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।